अस्सलाम वालेकुम। चलिए बनाना शुरू करते हैं आज एक और नई रेसिपी जिसका नाम है एग चिली, और ये रमजान स्पेशल डिश है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। आइए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की जरूरत है। आइए देखते हैं एग चिली बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की जरूरत है। मैंने यहाँ पे 3 अंडे लिए हैं जिसे हार्ड बॉइल कर लिया है। इसे जो है हम लोग 4 टुकड़ों में कट करेंगे लंबाई में। आप लोग चाहें तो 8 टुकड़ों में या चॉपर भी कर सकते हैं। साथ में हम लोगों को लगेगी कुछ सब्जियाँ, जैसे शिमला मिर्च है, कैबेज है, अनियन है, टमाटो है। इसे मैंने स्लाइस कट कर लिया है, और कुछ अनियन है जिसे मैंने इस तरह से बारीक बारीक कट कर लिया है, और साथ में एक हरी मिर्च है जिसे मैंने बारीक कट कर ली है। और साथ में हम लोगों को लगेगा 1 चम्मच मैंने अदरक लिया है जिसे मतलब बारीक कट किया हुआ अदरक है 1 चम्मच, बारीक कटी हुई लहसुन है 1 चम्मच, 1 चम्मच सिरका डार्क सोया सॉस है, 1 चम्मच ही सिरका है, 1 चम्मच नमक है, 1 चम्मच शक्कर है, ये सारे टीस्पून से ही हैं। 1 चम्मच ही मैंने यहाँ पे ब्लैक पेपर पाउडर लिया है, अदरक लहसुन का पेस्ट यहाँ पर 1 चम्मच लिया है, 2 चम्मच मैंने यहाँ पे रेड चिली पेस्ट लिया है, 1 चम्मच शेजवान सॉस लिया है। शेजवान सॉस टोटली ऑप्शनल है, आप लोग चाहें तो यूज़ करें चाहें तो ना यूज़ करें। और 4 चम्मच जितना मैंने यहाँ पर टोमेटो सॉस लिया है। यहाँ पर मैंने कॉर्नफ्लावर और मैदा इस चम्मच से नापकर 4-4 चम्मच लिया है, जिसमें से 1 चम्मच जो है मैं स्लरी बनाने के लिए निकाल लूँगी, बाकी जो है हम लोग इसे अंडे के साथ में कोट करेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि अंडों को हम लोग इस तरह से लंबाई में कट करेंगे, इस तरह से। इस तरह से आप लोग चाहें तो इसे और हाफ कट कर सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो है इसमें से स्लरी का जो पोर्शन है वो मैं अलग कर लूँगी, बाकी पोर्शन में जो है मैं थोड़ा सा डाल दूँगी नमक, और थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर, और थोड़ा सा शेजवान सॉस, और पहले इसे अच्छी तरह से हम लोग मिक्स कर लेंगे इस तरह से। अब इसमें जो है एक एक करके हम लोग इसे जो है कोट कर लेंगे, ताकि जो जर्दी है ना ये अलग ना हो पाए इस तरह से। चलिए मैं सब कर लेती हूँ फिर दिखाती हूँ, और बाकी को हम लोग जो है इसमें डाल देंगे। और इसमें पानी डालकर इसे एक स्लरी बना लेंगे। स्लरी देखिए हमारी रेडी है, ये इस तरह की कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए, रनिंग बिल्कुल। चलिए अभी से जो है अंडे के साथ लगा के हम लोग तेल में फ्राई कर लेंगे। चलिए जी, मैंने एक पैन ले लिया है जिसमें तेल मैंने गरम कर लिया है, तेल काफ़ी अच्छा जो है गरम हो गया है। अब हम लोग एक एक करके जो है ना हमारा जो स्लरी है उसमें अंडे को डुबा कर इसमें डालते जाएंगे इस तरह से। आँच हमको तेज ही रखनी है। ये देखिए तमाम अंडे जो है मैंने डाल दिए हैं, और ये अच्छा का सब जो है गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब इसे हम लोग निकाल लेंगे, और काफ़ी क्रिस्पी हो चुका है, देखिए आप लोग आवाज़ से सुन सकते हैं। चलिए अब इसे पूरा निकाल लेते हैं। ये देखिए अंडे जो है हमारे बॉईल होकर हो गए हैं, सॉरी, ये देखिए अंडे जो है हमने सारे के सारे फ्राई कर लिए हैं। अब एक पैन में मैंने वही तेल में से 2 चम्मच तेल ले लिया है। अब इसमें जो हम लोग बनाना शुरू करेंगे, सबसे पहले मैं इसमें बारीक कटा हुआ अदरक डाल दूँगी, और डाल देंगे बारीक कटा हुआ लहसुन। इसे 1 मिनट के लिए तेज आंच पे ही भुनेंगे। अब इसमें मैं जो है टमाटर, प्याज और हरी मिर्ची जो है वो डालेंगे, साथ में शिमला मिर्ची और कैबेज जो है ये डालेंगे, और इसे तेज आंच पे ही भुनेंगे हम लोग। ये देखिए 1 मिनट हो गया है, और हमारी जो वेजिटेबल्स है ये अच्छी भुन गई हैं। अब इसमें हम लोग डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, रेड चिली सॉस,
टोमेटो सॉस, शेजवान सॉस, सोया सॉस, ब्लैक पेपर और चीनी, सारी चीज़ें जो हैं हम लोग इसमें डाल चुके हैं। अब इसे अच्छा सा मिक्स दे देंगे और इसका एक मिक्स अरोमा जो है वो आने लगेगा, तब तक हम लोग भी ऐसे भुनेंगे। तो चलिए एक मिनट इसे तेज़ आंच पे मैं भून लेती हूँ। मैं इसमें डाल दूँगी नमक, अब इसमें हम लोग डाल देंगे पानी और इसे बॉईल होने देंगे। तकरीबन मैंने इसमें एक कप जितना पानी डाला है और इसे हम लोग बॉईल होने देंगे अभी। ये देखिए इसमें जब अच्छा खासा बॉईल आने लगा है, अब मैं क्या करूँगी, ये जो मेरे पास कॉर्नफ्लोर रखा हुआ था इसमें जो है मैं 2 चम्मच पानी डालकर इसकी स्लरी बना लूँगी और इसे जो है इसमें मिक्स कर लेंगे हम लोग और इसे चला लेंगे अच्छी तरह से। जैसे ये थोड़ा सा गाढ़ा होगा हम लोग जो है गैस बंद कर लेंगे फौरन और इसमें सिरका ऐड कर लेंगे। देखिए अभी गाढ़ा होने लगा है, गैस हम लोग अब बंद कर लेंगे। अब इसमें हम लोग डाल देंगे सिरका। इसके ऊपर आप लोग जो है ग्रीन अनियन या कोथमीर वगैरह कुछ भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें मैं जो है हमारे पास जो बॉईल किया हुआ ये फ्राई किया हुआ जो हमारे पास एग है वो मिला लेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे हम लोग अच्छी तरह से। एक बार हल्के हाथ से हम लोग मिक्स करके इसे जो है बंद कर लेंगे। देखिए अभी तैयार है, चलिए इसे डिश आउट कर लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। लीजिए तैयार है गर्मा गर्म बहुत ही अच्छी बहुत ही टेस्टी एग चिली रेसिपी। आप लोग इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कैसी बनी मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। चलिए इजाज़त दीजिए, अगली बार फिर हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। अस्सलाम वालेकुम।